गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 26 करेंगे। इसमें देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पर अपना नेम फिल कर दीजिए, उसके बाद नेम ऑफ क्लास टीचर, ये तो सब आप जानते ही हैं। इसके बाद देखते हैं अपनी जो वर्कशीट है, इसका टॉपिक क्या है आज का। टॉपिक देखिए यहाँ पर लिखा है वैल्यू ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू ऑफ टाइम से रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इनको देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स केयरफुली एंड इट विल हेल्प यू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यू ऑफ टाइम। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप उनको रीड करिए, जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी। किसके रिगार्डिंग? वैल्यू ऑफ टाइम के रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखिए पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज वैल्यू टाइम। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो टाइम को वैल्यू देते हैं। पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, और लाइफ में जो पंक्चुअलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ऑलवेज रिमेंबर टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी बॉट बैक। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अगर एक बार टाइम चला जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता है। नेवर गेट इन्वॉल्व इन यूजलेस थिंग्स। हमें यूजलेस थिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यूटिलाइज योर फ्री टाइम इन सम क्रिएटिव वर्क। और जो भी आपके पास फ्री टाइम होता है उसको कुछ क्रिएटिव वर्क्स में यूटिलाइज करना चाहिए। कंप्लीटिंग द टास्क एट द लास्ट मोमेंट इज ए वेरी बैड हैबिट। और कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हमें यह आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है कि हम अपने काम को लास्ट मोमेंट पे करते हैं, तो ये बहुत ही बुरी हैबिट है, बहुत बुरी आदत है, हमें इससे बचना चाहिए। यानी कि हमें अपना काम सही टाइम पे कर लेना चाहिए, लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना चाहिए। प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन मेक्स एन इंडिविजुअल एक्टिव। और अगर हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं, प्रॉपर एक टाइम मैनेज करके चलते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा साबित ये होगा। हमें एक्टिव रहने में, हर टाइम पे अपने चीज़ों में एक्टिव रहने के लिए हमें हेल्प करेगा। तो इससे हमें ये पता लगता है इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद कि अगर हमें लाइफ में सक्सेस चाहिए तो हमें टाइम को वैल्यू देनी चाहिए, ठीक है। तो देखने देखा कि टाइम की वैल्यू हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, हमें हमेशा टाइम को वैल्यू देनी चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस को समझनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो अब चलते हैं अपनी वर्कशीट पर कि हमें इस वर्कशीट में वैल्यू ऑफ टाइम के रिगार्डिंग करने के लिए कौन सी एक्टिविटी दी हुई है जिसको हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर विच रोहित ऑफ उत्तम नगर न्यू दिल्ली हैज रिटन टू हिज यंगर ब्रदर हु इज स्टडिंग इन ए हॉस्टल एक्सप्लेनिंग द वैल्यू ऑफ टाइम टू हिम। तो यहाँ पर हमें एक लेटर कंप्लीट करना है, जो किसने लिखा है, रोहित ने लिखा है, जो कि उत्तम नगर का रहने वाला है, और अपने छोटे भाई को लिख रहा है ये लेटर, जो कि हॉस्टल में रहता है। और उसको क्या बता रहा है इस लेटर के अंदर, टाइम की वैल्यू के बारे में वो बताना चाहता है। यू हैव टू चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। तो आपको ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें से वर्ड्स चूज करने हैं और नीचे जो लेटर है इसमें फिल करने हैं। तो चलिए करते हैं अपने लेटर को कंप्लीट। तो यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले आप यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, डेट डली हुई है, और ये उनके भाई का नाम लिखा हुआ है जिसको ये लेटर लिखा जा रहा है। वी आर फाइन हेयर एंड होप यू विल बी फाइन टू। तो जो ये फाइन लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पर लिखेंगे फाइन, ठीक है, वन नंबर पे ये लिखेंगे आप। यू आर नाउ स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ योर हॉस्टल लाइफ टूडे। I am writing this letter to explain the dash of time in life. तो क्या आएगा यहाँ पर बेटा, वैल्यू। क्या आएगा यहाँ पर, वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, सेकेंड नंबर में वैल्यू आएगा, ठीक है। Many lost things can be regained. तो थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे हम, regained. थर्ड नंबर पे regained, ये वाला, ठीक है। इन लाइफ बट द टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर
फॉरएवर, तो फोर्थ नंबर पे आएगा फॉरएवर। ठीक है बेटा, देयर इज अ फेमस प्रोवर्ब दैट टाइम एंड डैश वेट फॉर नन। तो टाइम एंड टाइड क्या आएगा यहां पर, टाइम एंड टाइड, तो फिफ्थ नंबर पे ही आएगा आपका टाइड। ठीक है, सो नेवर पुट ऑफ योर वर्क फॉर टुमोरो, तो सिक्स नंबर पे क्या आएगा टुमोरो। विच यू कैन डू टूडे, यू शुड ऑलवेज मेक डैश यूज ऑफ योर टाइम। तो आपको यहां पर क्या करना चाहिए, यू शुड ऑलवेज मेक बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेस्ट आएगा। ठीक है, सेवंथ नंबर पे आप, ये है बेस्ट। ठीक है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, यू शुड नेवर वेस्ट इट इन थिंग्स। तो कैसे थिंग्स में वेस्ट नहीं करना चाहिए, यूजलेस थिंग में हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो एट नंबर पे क्या लिखेंगे, यूजलेस। इफ यू वॉन्ट टू अचीव सक्सेस, तो नाइन पे क्या लिखेंगे, सक्सेस। ठीक है बेटा, इन लाइफ देन लर्न हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ टाइम, यू मस्ट मेक ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट सिंसेयरली। तो यहां पे टेन में क्या लिखेंगे, टाइम टेबल, ये टेन में टाइम टेबल। हैव ए गुड एजुकेशन एंड गेट गुड मार्क्स एंड गिव योर बेस्ट। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, एफर्ट, क्या लिखेंगे, एफर्ट्स। तो इलेवन नंबर पे आएगा आपका एफर्ट्स। आई होप यू विल फॉलो माई एडवाइस, ट्वेल्व नंबर क्या लिखेंगे, एडवाइस लिखेंगे। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू लेट मी नो हाउ यू आर यूजिंग द बेस्ट ऑफ योर टाइम, योर लविंगली रोहित। तो आपने देखा, हमने जितनी भी हमें यहां पर हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए थे उनको यूज करते हुए इस लेटर को कंप्लीट कर लिया है, तो और आपने भी इसको कंप्लीट कर लिया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर से एक बार इसको, वीडियो को आप चला के देख सकते हैं।